जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 48 यानी कि 48 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए 48 नंबर जो टेस्ट सीरीज है उसका टॉपिक था पंचायती राज, और पंचायती राज जो टॉपिक है यह जो है बीपीएससी की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम जो है एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हालांकि अगर एवरेज की बात करें तो यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन जो है आते ही रहते हैं। तो आप ये अनुमान कीजिए कि कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स है, अधिक से अधिक तीन से चार क्वेश्चन भी जा सकता है। तो इसलिए आप जो पंचायती राज टॉपिक को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उसे जो है बहुत ही अच्छी तरह से उस पर जो है पकड़ बना लीजिए। ये जो है आपको जो है कहीं ना कहीं जो है सफलता दिलाने में जो है पर्याप्त सिद्ध होगा। तो ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पंचायती राज प्रणाली जो है उसकी विशेषता जो है कई है, लेकिन इनमें से जो कुछ जो है जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं और सारे के सारे जो है सही है कि इनमें जो है तीन श्रेणियां होती है और इसका लक्ष्य जो है गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ये सारे चीज जो है बिल्कुल जो है सही है, फैक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत की। देखिए अगर हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करें कि आखिर ग्राम पंचायत जो है क्या होता है, तो देखिए गांव स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का जो है गठन होता है और यह जो है क्या करता है, तो शक्ति का प्रयोग करके जो है राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए गए कार्य को क्या करता है, निष्पादित करता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 की बात तो करेंगे ही, उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं। देखिए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया और जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए यानी कि गठित करने के लिए राज कदम उठाएगा, क्या करेगा, राज कदम उठाएगा, यानी कि राज पर जो है वह जो फैसला जो है सौंप दिया और उन्हें जो है उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वो जो है स्वशासन की इकाई यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो है एक जो है इकाई की तरह जो कार्य करने में वो जो है सक्षम हो। तो हम इसी में बता दिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 40वें अनुच्छेद, और बात करें कि कितने नंबर का संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन, इनको इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए चार नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमेटी या कहे तो आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो देखिए सर्वप्रथम जो है जनवरी 1957 में जो है भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्य की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए जो है उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था, और इस समिति के अध्यक्ष थे उस समय कौन, तो बलवंत राय मेहता थे, और इसी समिति ने यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसे जो स्वायत्तता की योजना कहते हैं यानी कि यही पंचायत जो है, इसी पंचायत की जो है इन्होंने जो है सिफारिश की जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें आप इम्पोर्टेंट की क्या देखें, तो जनवरी 1957 में जो है कौन सा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत, तो यहाँ से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आखिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जो आप जो है कहीं से भी जो इंटरनेट से हो चाहे अन्य बुक से हो चाहे पेपर से हो कहीं से जो है इसके बारे में जो आप जानकारी जरूर ले लीजिए, आने वाले भविष्य में पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, तो इससे रिलेटेड भी जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए पांच नंबर का क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए आ गया समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब क्या पता चल रहा है, समुदाय मतलब कि किसी एक के बारे में जो चर्चा नहीं कर रहा है यानी कि संपूर्ण समुदाय के विकास की बात कर रहा है और बोल रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि संपूर्ण जो समुदाय है उसका जो विकास करना है,
उसके जो है जीवन स्तर को जो है ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना है, तो वही जो है इसका जो है उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है, जो कि इनमें नहीं है, ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा नॉन, यानी कि कोई नहीं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत इस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन। अगर बात करें इसके बारे में तो देखिए, राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जो जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन जो है धन विधेयक जो लोकसभा में पेश किया था, वहीं से जो क्वेश्चन यह पूछा गया कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस दिन से हो गई थी, किस संविधान संशोधन बिल से हो गई थी, तो आपको याद रखना है 64वां संविधान संशोधन बिल। अब देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि स्वशासन के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसके अधिकार क्षेत्र कई सारे हैं, जैसे कि कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनोपयोगी सेवा आदि। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की तो चर्चा है, बिल्कुल है। स्वच्छता, स्वच्छता की चर्चा नहीं है। जनोपयोगी सेवा का रखरखाव, तो ये भी जो है सार्वजनिक अनुशासन, तो सार्वजनिक अनुशासन नहीं है। तो इसमें जो एक से ज़्यादा है, तो मिसप्रिंट से जो है क्वेश्चन जो है इनमें जो है ये नहीं लिखा पाया कि एक से अधिक, क्योंकि इन नंबर का जो क्वेश्चन होता है बीपीएससी में उसमें रहता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो यहाँ पे होता एक से अधिक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राज सूची में। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो राज पर जो है सारे जो है छोड़ दिए थे पंचायती राज के बारे में, जो अपने अपने स्तर से जो है वहाँ की स्थिति के अनुसार जो है सभी राज्य सरकार जो है इसे जो है लागू करिए, इसलिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, तो देखिए ये जितने भी ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह की सरकार ने जो 50% जो आरक्षण जो है स्त्रियों को जो पंचायती राज संस्थाओं में जो है दिए हुए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, बोल रहा है कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनी है वो जो है क्या है, तो देखिए वह जो है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, देखिए विकेंद्रीकरण कहे चाहे कहे स्वायत्त, ये सारे चीज जो है एक ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि इसी ने जो है इसकी जो सिफारिश भी की थी सर्वप्रथम, तो इसलिए इसका आंसर। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, इसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो देखिए कौन सा समिति ने दिया था 1957 में, तो 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, तो आप ही बताइए उसमें जो है कौन जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगर वहीं पर अगर बात करता कि कौन जो है द्विस्तरीय शासन प्रणाली का सुझाव दिया था, तो वहीं पर हो जाता अशोक मेहता समिति, जो हम आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, देखिए त्रिस्तरीय का मतलब होता है गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी कि गांव स्तर पर जो ग्राम पंचायत का निर्माण करना के लिए जो सिफारिश किया था, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद, ये जो है उन्होंने जो है सिफारिश किया था। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, अब बोल रहा है कि अशोक मेहता समिति जो है किसकी सिफारिश की थी, तो अभी तुरंत हम बता रहे कि द्विस्तरीय सरकार की उन्होंने जो है सिफारिश की थी। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए 1977 में जो है जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो है पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया, और इसने जो है अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित करने हेतु 132 जो है यानी कि 132 सिफारिश की, और इनमें जो है एक जो है जो कि अभी हम बताएंगे जो कि ऑप्शन में है कि जो है कौन सी सिफारिश की थी। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए, इनकी जो है सिफारिश थी,
और उसमें कहा गया था जिला परिषद जो है जिला स्तर पर जो है गठन होना चाहिए और 15,000 से 20,000 की आबादी वाले जनसंख्या वाले गांव के समूह के लिए जो है आप जो है मंडल पंचायत का जो है गठन कर दीजिए। तो ये जो है द्विस्तरीय सरकार के लिए जो है उन्होंने जो है जनता पार्टी के सामने जो है अपनी सिफारिशें की थी जो कि अशोक मेहता समिति के नाम से जो है जाना गया। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो क्या होती है? अभी थोड़ा देर पहले देते थे वह जो परामर्शदात्री होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो देखिए किसकी अध्यक्षता में जो है उन्होंने जो सिफारिश की गई थी, तो देखिए बलवंत राय मेहता उस समय के अध्यक्ष थे और उसी की सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज की स्थापना की जाए त्रिस्तरीय, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। देखिए अगर इसके बारे में हम डिटेल से बात करें इसकी स्थापना से संबंधित, तो देखिए बलवंत राय समिति की जो सिफारिश को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था और इसके बाद जो देश में जो प्रथम पंचायती राज की स्थापना जो है की गई थी कहाँ पर, तो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है किस राज्य से, अभी तक राज्य से पूछ दिया है कि किस राज्य से जो है सब प्रथम जो है स्थापना किया गया, तो राजस्थान से, और ये भी पूछ दिया है कि किस जिला से, तो आपको याद रखना है नागौर में, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा है कि कितने तारीख को, तो आपको यह याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को जो है, और इसके बाद जो है 1959 में जो है दूसरा जो है आंध्र प्रदेश ने जो है लागू किया, तो आपको याद रखना है प्रथम में कौन, तो राजस्थान, और उसके बाद दूसरी कौन, तो आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने जो लागू किया था। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश डैश में आरंभ की गई थी, तो अभी हम बताए कि दूसरी बार कौन आरंभ की थी, तो आंध्र प्रदेश की थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए यह जो है राज्य सरकार पर छोड़ गया था कि अपने अनुसार जो है आप जो है पंचायती राज का गठन कीजिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राज्य सरकार। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए यह कैसे हुआ, तो देखिए यह जो व्यवस्था है यह जो है 40वें अनुच्छेद के तहत जो है की गई है और 40वें अनुच्छेद जो है राजनीति निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, तो वहीं से क्वेश्चन जो आपको जो है घुमा के पूछ दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नीति निदेशक सिद्धांत। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन सी आते हैं? तो देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली में बताया थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो कि सिफारिश भी की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो अभी हम तुरंत बताए थे कि 73वां संशोधन था और कब था, तो 1992 में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 73वां संशोधन। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा न्यायिक पुनर्वेक्षण। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, बोल रहे हैं कि यह जो है किसको जो प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, यह जो शक्तियों को जो बांट देता है विकेंद्रीकृत कर देता है, लोगों की हिस्सेदारी इसमें होती है, हाँ होती है, क्योंकि उसी के द्वारा जो है चुने जाते हैं। और देखिए सी सामुदायिक विकास, इससे जो सामुदायिक विकास भी हो सकता है और इसी के उद्देश्य से जो है यह जो है पंचायती राज की स्थापना भी की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, बोला है कि सबसे पहले जो है कहाँ पर जो है इसे जो है लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा राजस्थान में। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो देखिए पंचायती राज का लक्ष्य जो है वो उसके जो है पंचायती राज शब्द से ही पता चलता है, पंचायती राज शब्द का अभिप्राय होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी अगर बात करें इसकी तो भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र के निर्माण करना, तो आपको पता चल गया कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर जो है लोकतंत्र का निर्माण करना, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्यों? तो देखिए दे दिया है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, ये है, ये तो लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना ये भी लक्ष्य नहीं है, ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण ये नहीं लक्ष्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज को डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के।
तहत। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है पंचायती राज को सफलतापूर्वक बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्थानीय जनता की, क्योंकि वही चुनते हैं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को। 27 नंबर का क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है, तो देखिए पंचायती राज जो राज की सूची पर जो है एक विषय है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो आप ही बताइए कौन सा अनुच्छेद, कितनी बार हम बोल चुके हैं कि अनुच्छेद 40, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति थे। इसी को क्वेश्चन को सिर्फ चेंज किया हुआ है, मॉडलाइज करके जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए 30वां नंबर का क्वेश्चन है जो कि 66वीं BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो देखिए अगर बात करें इसके बारे में तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जो है नई 11वीं सूची जोड़ी गई थी, और इस सूची में जो पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय भी वस्तुएं थे, और यह जो है अगर बात करें इस विषय वस्तु की तो यह जो अनुच्छेद 243 और जी से संबंधित है, किससे, जी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण वैशिष्ट नहीं है, बोल रहा है कि इसमें से बताइए जो नहीं है पंचायती राज से संबंधित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह जो है पंचायती राज में तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है, तो इसलिए इसका आंसर गलत कौन सा हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा विकेंद्रीकरण में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी तो सारे चीज़ है, पंचायती राज में स्वायत्तता भी है, लोक सहभागिता की भी बात कर रही है, और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की भी बात करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत, तो सी हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो किस भाग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भाग नंबर 9 में जो है ये जो पंचायती राज से जो है संबंधित है प्रावधान। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर, तो देखिए यह जो है राज्य सरकार पर निर्भर करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राज्य सरकार। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है, तो देखिए पंचायत समिति जो एक जो प्रशासनिक जो प्राधिकरण है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो देखिए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम मुखिया करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ग्राम मुखिया। हम देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 21 वर्ष जो है पंचायत चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार को जो है होना चाहिए, अगर आप मुखिया से लड़ रहे हैं चाहे आप सरपंच हो रहे हैं से लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ के लिए जो आपको 21 वर्ष जो है कम से कम होना चाहिए। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, बोल रहा है कि किस स्तर पर होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ग्राम स्तर पर जो है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, देखिए अगर जो पंचायत अगर भंग हो जाती है तो जो है 6 माह के अंदर जो है उसका जो है निर्वाचन होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है, तो आपको हम क्या बताए थे कि नागौर से हुई है, तो नागौर होगा इसका आंसर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। तो जितने भी क्वेश्चन थे इस टेस्ट सीरीज में जो कि डिस्कस करने वाले थे, तो उन सारे को जो हम डिस्कस कर दिए, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।